नमस्कार, जोहार, प्रणाम, स्वागत है हमारे सिमडेगा समाचार के YouTube चैनल में। चलिए दिन की खबरों के साथ शुरुआत करते हैं आज का दिन। इससे पहले जो चैनल में नए हैं सब्सक्राइब कर लें और किसी भी प्रकार की समस्या हो तो कमेंट में जरूर बताएं। जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी मंजर हुसैन के द्वारा सिमडेगा शहरी क्षेत्र में औचक छापेमारी अभियान चलाकर फास्ट फूड तथा अन्य दुकानों पर सख्ती से सरकार द्वारा जारी नियमों को पालन करने की बात कही। उन्होंने चेहरे पर मास्क पर विशेष ध्यान देते हुए खाने पीने चीज़ों को ढक कर रखने का निर्देश दिया, अन्यथा दोबारा पकड़े जाने पर कार्रवाई की जाएगी। सिमडेगा बस स्टैंड के समीप NH 143 की जर्जर हालत से आवागमन में लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने जल्द से जल्द NH 143 की निर्माण की मांग की है। वहीं इसके बाद NH विभाग की ओर से कार्य करते हुए तत्काल खड्डों में मिट्टी डलवा कर उसे तत्काल काम चलाओ सड़क बनाने का काम कर दिया है, जिससे कि लोगों ने राहत की सांस ली। सिमडेगा नगर परिषद में काम करने वाले सफाईकर्मी, अनुबंध कर्मचारी सहित कई लोगों ने नगर भवन सिमडेगा में बैठक आयोजन करते हुए अपनी विभिन्न प्रकार की समस्याओं को लेकर चर्चा किया। इस दौरान बताया गया कि जल्द से जल्द 2 अक्टूबर को अनशन किया जाएगा और इसके अलावा आगामी त्योहारों के दौरान हड़ताल भी की जाएगी, क्योंकि हमारी मांग अभी तक पूरा नहीं हुआ है। वहीं केरसई खास गांव के एक महिला को शनिवार को वज्रपात की चपेट में आ गई थी, जिसके बाद घरेलू उपचार में ठीक नहीं होने के बाद उसे सदर अस्पताल सिमडेगा लाया गया है, जहां पर इलाज चल रहा है। बताया गया कि परिजनों ने काफ़ी लापरवाही बरती है, जिसके कारण इलाज में थोड़ी परेशानी हो रही है। केरसई प्रखंड क्षेत्र में इन दिनों धान कटनी का कार्य जोर शोर से शुरू हो गया है। लोग बढ़ चढ़ कर अपने खेतों में धान काटते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं किसानों ने बताया कि इस बार धान की फसल अच्छी हुई है, जिससे उत्साह है। इसके अलावा लोग अपने खलिहान में भी धान की मिसाई कर रहे हैं, साथ ही अब अपने अपने खेतों पर भी किसान जुट चुके हैं। सिमडेगा प्रखंड कार्यालय में आधार कार्ड बनवाने के लिए लोगों को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है। आधार कार्ड सेंटर सुबह 8 से 10 और 4 से 6 खुल रही है, जिससे कि दूर दराज से आए लोग परेशान हो रहे हैं। वहीं ऑपरेटरों ने बताया इसके लिए कोई विशेष व्यक्ति की नियुक्ति नहीं है, हमारे द्वारा समय निकाल कर लोगों के लिए किया जा रहा है, जबकि सिमडेगा के कई जगहों पर बन रहा है। पाकडाण प्रखंड विकास पदाधिकारी कीकू महतो, थाना प्रभारी हीरालाल महतो की अगुवाई में पाकडाण प्रखंड के दुर्गा पूजा समिति सदस्यों के साथ बैठक आहूत करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से दुर्गा पूजा मनाने को लेकर निर्देश दिया। उन्होंने यह भी बताया कि वैश्विक महामारी का नियमों का पालन करते हुए दुर्गा पूजा मनाया जाएगा, कहीं पर भी अत्यधिक भीड़भाड़ ना हो, इसका समिति के सदस्य विशेष ख्याल रखेंगे। सामाजिक कार्यकर्ता तिलका रमन, मोहन कच्छप, सुनील सुरेन के द्वारा समाहरणालय से बंगरू होते हुए कोलिया दामर जाने वाली सड़क की हालत को देखते हुए ग्रामीणों से बैठक कर वहां पर आवेदन बनाया, जिसे आज उपायुक्त सुशांत गौरव को सुपुर्द किया जाएगा, साथ ही पक्की सड़क की मांग करेंगे। बताया गया कि लंबे समय से यह सड़क कच्ची है और जर्जर स्थिति कारण आवागमन में काफ़ी परेशानी होती है। वहीं पकडाण के कोबांग गांव पहुंचकर बीमा कार्यकर्ता मुनेश्वर साहू के द्वारा भउआ साहू को 1,53,870 रुपये का LIC डेथ क्लेम का चेक दिया। इस दौरान उन्होंने बताया कि इस परिवार के पीड़ित को LIC की ओर से तत्काल के रूप में राहत राशि दी है। वहीं भाजपा नेता नगर अध्यक्ष सत्यनारायण प्रसाद के द्वारा लोगों के बीच में मास्क, सैनिटाइजर तथा साबुन का वितरण किया। मौके पर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस वैश्विक महामारी में लगातार लोगों को मदद करने का काम कर रही है, इसी के निमित्त आज हमारी ओर से यह सहयोग दी गई है, ताकि लोगों को राहत मिल सके। सिमडेगा उपायुक्त सुशांत गौरव अपने अलग अलग कार्यों को दायित्व निर्वहन कर रहे हैं, ताकि यहां के जनमानस को लाभ मिल सके। इसी दिशा में पहल करते हुए उपायुक्त सुशांत गौरव ने अपने कार्यालय कक्ष में पेंशन अदालत में लंबित 101 मामलों का निष्पादन किया। इस दौरान उन्होंने सभी प्रखंडवार विभागों की समीक्षा किया। प्रखंड कोलेबीरा के प्रमुख दीपक कंडुलना की अध्यक्षता में 15वें वित्त आयोग राशि की मामले में बैठक करते हुए सभी पंचायत समिति के साथ कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा किया। साथ ही कहा कि योजना कार्य की बिंदुवार किया जाएगा, ताकि आमजनों को इसका लाभ मिल सके। सिमडेगा के नवपदस्थापित SP डॉक्टर शम्स तबरेज से सिमडेगा नगर अध्यक्ष पुष्पा कुल्लू, वार्ड पार्षद निशा देवी के द्वारा औपचारिक मुलाकात किया गया। इस दौरान उन्होंने बताया कि
यहाँ पर शांति प्रिय नगर परिषद क्षेत्र में पुलिस का योगदान सराहनीय है, जिस पर एसपी ने कहा कि मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जिस प्रकार शांति कायम है उसी प्रकार नगर परिषद क्षेत्र में शांति बरकरार रखेगी। सिमडेगा राम जानकी मंदिर दुर्गा पूजा समिति की आवश्यक बैठक का आयोजन महावीर मंदिर में हुआ। इस दौरान सादगीपूर्ण तरीके से दुर्गा पूजा मनाने को लेकर विचार विमर्श किया गया। वहीं सिमडेगा के समाजसेवी डिडली के अचानक निधन के बाद यहां पर शोक सभा का आयोजन किया, जिसमें सभी लोगों ने 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना किया। झारखंड प्रदेश मजदूर यूनियन के नेता राजेश कुमार सिंह के द्वारा बराबर पानी के कुर्रुम गांव में बैठक कर ग्रामीणों की सभी प्रकार की समस्याओं को सुना, जिसमें प्रमुखता से बिजली, पानी, सड़क जैसी समस्याओं को ग्रामीणों ने रखा। जिसके बाद उन्होंने कहा कि इन सभी समस्याओं को लेकर जल्द से जल्द जिला उपायुक्त के समक्ष रखा जाएगा, ताकि आमजनों की समस्याओं को दूर किया जा सके। उन्होंने कहा किसी भी कीमत में लोगों की समस्याओं को सुनना हमारा कर्तव्य है। उसके बाद अनुमंडल पदाधिकारी महेंद्र कुमार से औपचारिक मुलाकात करते हुए उन्हें बुक्के देकर स्वागत किया। साथ ही कहा कि मजदूर हित में कई प्रकार की समस्या आपके सामने रखे जाएंगे, जिसे दूर किया जाए। इस पर एसडीओ ने भी कहा कि आप बेधड़क होकर सभी समस्याओं को लेकर सीधे मेरे पास आएँ, मैं दूर करने का कार्य करूँगा। डीएवी स्कूल के समीप हुए हथियार के बल में लूटपाट मामले में पुलिस को सफलता मिली है, जिसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके निशानदेही पर चट्टान मोहल्ला सिमडेगा में हथियार फेंकने की बात हुई थी, जिस कुआं पर उसकी छिटाई की गई, बाद में इस मामले में असफल हुए। पुलिस ने बताया है कि परवीन बड़ाइक नामक व्यक्ति के घर से 42,000 का कैमरा और 2 मोबाइल की चोरी की गई थी। सिमडेगा में लगातार जंगली हाथियों का प्रकोप बोलबा क्षेत्र में जारी है, जिसको देखते हुए प्रखंड प्रमुख सुरजन बड़ाइक ने गंभीरता से लेते हुए ग्रामीणों संग मुलाकात करते हुए सभी पीड़ित परिवारों के बीच में जाकर उनसे आवेदन बनाकर उसे वन विभाग को सुपुर्द करने की बात कही। साथ ही कहा कि लोगों की जटिल समस्या है, जिसे दूर करने की आवश्यकता है और इस कार्य के लिए मैं काफ़ी गंभीर हूँ और जल्द से जल्द प्रयास किए जाएंगे। उपायुक्त की अध्यक्षता में चाइल्ड ट्रैफिकिंग, बाल संरक्षण संबंधित विभागों की समीक्षा हुई, जिस पर उन्होंने पॉक्सो एक्ट के तहत कई प्रकार के मामलों को बारीकी से विश्लेषण करते हुए समीक्षा किया, साथ ही कार्य करने की बात कही। उपायुक्त ने सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में साफ सफाई, शौचालय व्यवस्था, रखरखाव, बर्तनों की सफाई पर विशेष ध्यान देने की बात कही है। उन्होंने कहा कि जब आंगनबाड़ी में साफ सुथरा सभी चीज़ रहेंगी तो बच्चों का मन लगेगा और बच्चे अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे। इसके अलावा पोषण के तहत सभी महिलाओं को विशेष पोषण से संबंधित जानकारी देने की बात कही। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों में समय पर टीकाकरण के शिविर लगाकर टीका सही समय पर बच्चों को पढ़ने चाहिए, ताकि किसी भी बीमारी को रोका जा सके। वहीं कुरडेग प्रखंड के सभागार में बीडीओ कुंदन भगत और थाना प्रभारी मोहन बैठा की अगुवाई में दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजन किया गया, जिस पर उन्होंने बताया कि बैठक में सभी प्रकार के विशेष ध्यान दिए गए हैं और COVID-19 की महामारी को ध्यान में रखते हुए इस बार दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाएगा, जहाँ पर किसी भी प्रकार का भीड़ भाड़ और कार्यक्रम आयोजन नहीं होगा। सिमडेगा के डेली मार्केट कॉम्प्लेक्स के गली नंबर 1 में एक व्यक्ति की झोपड़ी में गैस रिसाव के बाद आग लग गई, जिससे कि 1,000 रुपये का नुकसान हो गया। इसके बाद एसडीओ ने कहा है कि पीड़ित परिवार का आकलन किया जाएगा और साथ ही मुआवजा दी जाएगी। इसी के साथ धन्यवाद, आज फिलहाल इतना ही। आपका दिन शुभ हो।